राखी जी हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सुबह सुबह गड़बड़ी हो गई। क्या हो गया? कुछ नहीं। फिर मैं सैड हूँ। क्यों सैड? क्यों खुश होना चाहिए? नहीं, मेरे 2 मिलियन थे, उसमें से 3,000 मेरे फॉलोवर्स चले गए। कोई बात नहीं, आप बिग बॉस जा रहे हो ना, हो जाएंगे पूरे। क्या न्यूज आई है बिग बॉस की? राखी जी आपने कल आ रहे हो ना? हाँ, फिर आप बुलाओगे तो आ जाएंगे। हाँ, आपको आना है। सफल हो गए? उधर ही सरप्राइज नहीं चाहिए क्या आप लोगों को? कुछ बढ़िया सफल हो गए ना जाने के लिए, अपन ने इतना लड़े तो फिर सफल हो गया सारी चीजें। कल करूंगी धमाका। कल क्या स्पेशल रहेगा? और आज? हाँ, कल क्या स्पेशल रहेगा? कल आप देखना ना धमाका। लुक वही रहेगा कि अलग कुछ? डिफरेंट, हमेशा डिफरेंट लुक रहेगा। और मैं कल जा रही हूँ, कल तो राखी भी है, अच्छा त्यौहार भी है। सलमान खान को राखी बांधनी है, सोहिल खान को बांधनी है, फिर विकास भाई को बांधनी है, और कल बिग बॉस भी है। कैसा होगा फिर कल? इतना आई डोंट नो कल कैसा होगा, देखती हूँ कल मेरा पैकअप कितने बजे है उस हिसाब से। सलमान भाई तो रशिया चले गए हैं। हाँ, शूटिंग के लिए गए ना टाइगर। हाँ, टाइगर जिंदा है। हाँ, तो देखते हैं आज कुछ प्लान। आइडिया लगाऊंगी मैं कुछ ना कुछ। आज राखी के लिए कुछ प्लान नहीं है, रक्षाबंधन के लिए आज? हाँ, कुछ नहीं है आज। आज तो तैयारी करनी है ना कल की। अभी जिम आई हूँ, मैं जिम करूंगी। और कॉमेडी वाला देखना मेरा शो आज रात को 10 बजे आएगा। अभी देख ही रहे थे हम लोग, आज रात को 10 बजे आएगा। थैंक्स टू बिग बॉस। बिग बॉस आई लव यू, आपने मेरी लाइफ बना दी है, इसलिए अब मुझे सब शो वाले बुला रहे हैं। वापस बन जाओ। मैं सारे शोज कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। और कल सरप्राइज होगा देखना बिग बॉस में, कुछ होने वाला है। कल एंट्री में कुछ होने वाला है। आप लोग सब लोग आ रहे हो ना? मुझे नहीं पता आप लोग आ रहे हो कि नहीं। हम लोग कभी नहीं बुलाएंगे, तभी तो आएंगे। मैंने तो इसलिए आज सुबह पोस्ट किया है ना, पोस्ट किया कि आप लोग आ जाओगे कल। तो मुझे कल का टाइमिंग मालूम नहीं है, देखती हूँ मैं टाइमिंग। आप लोग मालूम है टाइमिंग? पर वो लोग डालेंगे ना टाइमिंग, तभी हम लोग वहाँ जा पाएंगे। अच्छा, तो छुट्टी वाले भी डालने चाहिए ना, देखते हैं। किसकी बैंड बजाएंगे ज़्यादा वहाँ पे जाके? सरप्राइज रहने दो ना थोड़ा, थोड़ा जिंदगी में सरप्राइज रहे दो। शो के लिए भी कुछ बाकी रखो। आपको तो पता मैं फुल लोडेड हूँ, तो मुंह खोलने की देरी है, फायर निकलती है मेरे मुंह से। वैसे स्पाइडरमैन का लुक मेरा कैसा रहा? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा ना? बहुत बढ़िया। मुझे बात समझ में नहीं आती है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, अच्छा लगा। मुझे पहले ऐसा लगा था कि लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इंटरनेशनल में कोई हॉलीवुड से आता है तो और चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं। अगर बॉलीवुड की लड़की ने स्पाइडरमैन ड्रेस पहन लिया तो उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए ना। फैशन तो फैशन होता है। और आप लोग को पता है कि मैं अकेली लड़की हूँ जो मैं ये पूरा डेयरिंग ले सकती हूँ। मुझे बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने फ़ोन किया था, बहुत सारे, मतलब ओ माई गॉड राखी, यू हैव अ गट्स, यू कैन डू दिस। आई सेड या, यू नो आई फील वेरी गुड, यू नो। पर आपने मेरे बचपन की फोटो देखी? नहीं। मैंने पोस्ट की थी, मैं बचपन से स्पाइडरमैन का ड्रेस पहनती आई हूँ। स्पाइडरमैन जो है वो बचपन से मेरा फेवरेट प्राणी है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो दीवारों पे हर जगह चढ़ जाता है, पेड़ पे, इधर उधर इधर, और अपना झाला फैलाते रहता है। बहुत पसंद है स्पाइडरमैन मुझे। न्यूज वालों ने कितना अच्छा स्पाइडरमैन के हिंदी गाने निकाले, मराठी गाने भी निकाले, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बट आज मैं बहुत सैड हूँ, मेरे 3,000 फॉलोवर कैसे गिर गए पता नहीं। बढ़ गए, बढ़ गए। हाँ, क्योंकि मैं यहीं पे आपके सामने बोला था मेरे तो इतने फॉलो करो, फॉलो सब लोग फॉलो करो, फॉलो करो। बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। मैंने 2 दिन मैंने पोस्ट नहीं डाला तो, अरे मैं पोस्ट डालूंगी, रोज डालूंगी पोस्ट। अभी मैं जिम करने आई हूँ और जिम करूँगा। कौन है सामने? कोई नहीं, रावण है क्या? है। चलो चलो।
हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन, थैंक यू।